बेटा, अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल। हाँ जी, एट एट नीचे, ठीक है। नाइन्थ कल उनको पता नहीं चला था तो रूम नंबर बताना पड़ता था बेटे, ठीक है। यू नो, यू ऑल नो दैट व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ फोर साइडेड क्लोज फिगर। एक मिनट बता भी दो, ये कल भी निकल। हाँ जी बेटा, सो यू हैव डन ऑलरेडी, यू नो व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव क्वेश्चंस इन विच, बेटा फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज अ, आप पहले ना बातें कर लो, कर लो बातें, कंप्लीट कर लो बात, उसके बाद पढ़ेंगे। करो करो, आई विल गिव यू टाइम, इट्स ओके। चलो, जो भी तुम्हारी बातें हैं ना, बकवास बातें, वो पहले कंप्लीट कर लो। तुम्हें ये नहीं पता अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल, चार बार मैंने बोल दिया, फिर से तुम पूछे जा रहे हो। अपना अपना दिमाग घर छोड़कर आते हो, रोट लर्निंग करनी है, क्लोज फोर साइडेड क्लोज फिगर यू इन फर्स्ट सेकंड क्लास, वंस इट इज टोल्ड मतलब समझ आ जाना चाहिए तुम्हें कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। फैन ऑफ कर दो, आफ्टर दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो देयर आर फोर साइड्स, फोर एंगल्स, then opposite sides, opposite angles, adjacent sides, adjacent angles, you all know about it. So let us this, once again let me tell you, suppose like this is a quadrilateral, this side is opposite to this, this is opposite to this, ye opposite angles, adjacent angles kaun se hain yog, bolo, d or a adjacent hai, a or b adjacent hai, b or c adjacent hai, c or d adjacent hai, theek hai। After this, we definition you have written. After that, we have different types of quadrilaterals. First of all, because we should know the properties of different quadrilaterals, then only it will be helpful in solving the questions. ठीक है? अब आगे लिखिए. Different type of quadrilateral, बेटा आप लोगों ने eighth में भी किए हुए हैं. चलो, online था, पता नहीं कितना पढ़ा है, कितना नहीं. So let us discuss again. The first of all, first is rectangle. इसमें हम लिखेंगे, लिखो शॉर्ट में, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, लिखते जाओ, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल की प्रॉपर्टी भी लिखवानी है वो लिखवाती हूँ, एक मिनट रुक जाओ, लिखो। In rhombus, rhombus we have all sides equal, and in square also we have all sides equal, right? In rectangle, each angle 90, in square also each angle 90, but in rhombus each angle is not 90. In rhombus, what is the property? Diagonals, diagonals are not equal, beta. Diagonal bisect diagonal bisect each other at 90. Bisect each other मतलब मान लो ये आपका rhombus है, suppose ये rhombus है, ये diagonals हैं, A B C D A O. What do you mean by diagonal bisect each other? Yes, Aditya, can you tell? This is a diagonal bisect each other. मुझे बताओ अगर diagonal bisect करते हैं तो क्या चीज equal है? Aditya will tell. Diagonal अगर bisect करते हैं तो क्या equal होता है?
यस युग, वो मैंने बाइसेक्ट की बात की सिर्फ, हाफ हाफ लाइक दिस ए, इफ दिस ध्यान से समझो बेटा, ऑल दिस थिंग्स आर यूज्ड इन द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब ये जो है हाफ इसके हाफ के बराबर है, मींस ये डायगोनल इस डायगोनल को हाफ हाफ में डिवाइड करता है, इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। दिस मीन्स दैट द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अखिलेश आप समझ रहे हो कि सिर्फ लिखने में ही जोर है, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस में सेंटर में चारों एंगल्स, जो सेंटर में एंगल्स डायगोनल्स बनाता है वो एंगल्स क्या होते हैं 90। ठीक है, अब जो रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जो डायगोनल्स होते हैं बच्चे रेक्टेंगल के, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड एंड बाइसेक्ट ईच अदर बेटा, ऑपोजिट एंगल्स को नहीं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और स्क्वायर में डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल कॉमा बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। वो तो अगर डायगोनल में हाँ लिख सकते हो, बट क्यों लिखना, कोई आपसे प्रॉपर्टीज पूछने वाला रेक्टेंगल की? नो, दिस विल नॉट बी यूज्ड, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अब इसमें आप मेरी बात समझो बेटा, जो नाउ देयर आर, अभी हम ये तीन टाइप कोऑर्डिनेटर्स की बात कर रहे हैं, मेन प्रॉपर्टी है इनके डायगोनल्स की, जो साइड्स की और एंगल्स की प्रॉपर्टी है वो तो छोटे बच्चे करते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो आप, साइड्स इक्वल, एंगल्स 90, साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, दैट इज यूज्ड सिंस सेकंड थर्ड क्लास। Now here we want to learn about the diagonals. ये आपको याद रखना है, R for rectangle, R for rhombus, square. Square में दो properties होती है diagonals की, rhombus में दो properties होती हैं diagonal की, rectangle में, लेकिन square में सारी properties होती है। जैसे तीन properties हो सकती है diagonals की, diagonal equal, diagonal bisect and bisect at 90. Square में ये तीनों properties हैं। जो स्क्वायर है हमारा उसमें डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, इफ इट इज अ स्क्वायर, इफ वी हैव, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो 100% डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल। डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और डायगोनल बाइसेक्ट किस पे करेंगे, 90 पे, मतलब सेंटर पे 90 भी बनेंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? In rectangle, we have a rectangle. The diagonals are equal, and the diagonal bisect each other. Means this part is equal to this part. This part is equal to this part. But at the center, we don't get 90 degree. In rectangle, the diagonal bisect, but diagonal does not bisect at 90. These angles at the center is not necessarily 90. ये फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। और रोम्बस में क्या है, बाइसेक्ट करते हैं 90 पे करते हैं, बट क्या प्रॉपर्टी नहीं है, यस द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल। समझ आ गई ये बात, ये लिखो फटाफट से। लिख लिया? नहीं लिखना है बेटे, फिगर बनानी नहीं, फिगर आपको समझाया है। इसके बाद ट्रेपीजियम, वी हैव अ, ये लिख लिए सबने? लिखो लिखो, फेयर में कर रहे हो सीधा? सही सही लिखना प्रॉपर्टीज क्लियरली।
इसमें ना बच्चे फिगर भी बना लो, फिगर बना लो, फिगर में साथ में लिख लो, जैसे ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी. नाउ व्हाट वी हैव लर्न, वी हैव लर्न दैट ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी, प्लीज डोंट टॉक, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ईच एंगल 90. ये गलत लिखा है, इसको ठीक करो. तो गलत है ना बेटा, वैसे इक्वल हो ही गए. इफ ईच एंगल इज 90 देन द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट ईच एंगल 90. कट करके लिख दो, कुछ कहना है मैंने? हाँ, ऑल एंगल्स इक्वल, ईच एंगल 90, कुछ भी लिख सकते हो. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अच्छा ठीक है, AC is equal to BD and they bisect each other. OA is equal to OC. ये इसलिए इस why we are writing this, ताकि आपको पता चले कि अगर diagonal bisect करते हैं तो हमने उसको लिखना कैसे है. Diagonals are equal तो ठीक है, diagonal bisect each other मतलब ये वाला उसी के सामने वाली साइड के आधे के बराबर. ये नहीं लिखना that OA is equal to OD. Half portion of one diagonal is equal to the half portion of that same diagonal. Okay, Divyanshi? OA is equal to OC and OB is equal to OD. इसके बाद बेटा, अगर तुझे understanding है तो तू मत लिख, ठीक है? But लिखना है वैसे. This is a rhombus. Yes, ma'am. These are the two diagonals. So, diagonal bisect each other at 90. ये angle ये. One, ये angle two, ये angle three, ये angle four. इसमें OA is equal to OC, OB is equal to OD, angle one is equal to angle two, is equal to angle three, is equal to angle four, and four, all the four angles are equal to 90 degree. ठीक है, ये सब फिगर में लिखना है. इसी तरह से स्क्वायर की फिगर बनाओगे, डायगोनल इक्वल बाइसेक्ट और 90 लिख लोगे. Now write down trapezium. हाँ जी, फोटो लेके भेज दूँ. Dhiren, take the screenshot and send it in the group. दिख रहा है? वो आए नहीं तो ठीक कर गए. फाइन, सो ग्रुप में आ जाएगा रेजा. ठीक है बेटे, आप लिखिए बच्चे ट्रेपीजियम. हाँ बोल मैडम, इतने फ्री नहीं है, रुक जा. हर टाइम मैं तुम्हारे नंबर ऐड करती रहूं, कर दूंगी जब दिल करेगा मेरा. पेरेंट्स का नंबर है ना वो जो ग्रुप में है, बस फिर कर दूंगी ऐड. राइट डाउन ट्रेपीजियम की डेफिनेशन लिखिए बेटा. क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite side is parallel, quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel, quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel and other pair is non-parallel, and other pair is non-parallel is called trapezium. Like this is a trapezium A, B, C, D. You can see these two, this pair is parallel and this is not parallel. ठीक है, ये trapezium की definition है.
नाउ इसके नीचे वन थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, ठीक है, इसके लिए लिखवाऊंगी, कुछ प्रॉपर्टी लिखवानी है, नहीं पहले वो बाद में, पहले लिखो फिर साथ एक पैरेललोग्राम। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। हाँ जी, पैरेललोग्राम इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली यूज इन दिस चैप्टर। इक्वल ऑल्सो, सो पैरेललोग्राम हेडिंग दे दी, ये ट्रेपीजियम के बाद थोड़ी जगह छोड़ देना, लिखो पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल, ऐसे आप पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, साइन नहीं डालना आपने, पूरा लिखना है इक्वल, ठीक है। इन पैरेललोग्राम वी हैव ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, लिख लिया इतना। नाउ यू नो दैट इफ टू लाइंस आर पैरेलल लाइक ए बी सी डी, इफ इट इज अ पैरेललोग्राम देन कैन यू राइट दैट एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। दिव्यांशी पता है कि नहीं? अगर दो पैरेलल लाइंस होती थी और एक ट्रांसवर्सल, तो जो इंटीरियर वाले एंगल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते बेटा, उनका सम 180 होता है। ऑपोजिट साइड पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, जो दो लाइंस को कट करता है वो क्या होता है, ट्रांसवर्सल। ये बात समझ, इमेजिनरी, इज इट इमेजिनरी, आई हैव ड्रॉन दिस लाइन। लक्ष प्लीज, इनफ, इज दिस पॉइंट क्लियर? इफ टू लाइंस आर पैरेलल and there is a transversal, there is a line intersecting that two parallel lines, so jo hamare interior wale adjacent angles hote hain unka sum kya hota hai 180, aur isko iska reason kya hota hai, co interior angles, like in this angle a plus angle d is 180 degree, similarly please look on the board, as these lines are ये देखिए a प्लस डी इज 180, डी प्लस सी 180, अब ये सामने आमने सामने वाली लाइंस भी पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल, तो पैरेललोग्राम में d प्लस सी भी 180, a प्लस डी भी 180, साथ साथ वाले दोनों हर ईच पेयर मेक्स द सम 180, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री बट ओनली इन केस ऑफ पैरेललोग्राम बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये समझ आ गई, ए प्लस डी 180, सिमिलरली ए प्लस ए, ये बी है, ए प्लस बी 180, सिमिलरली बेटा बी प्लस एंगल सी 180 एंड सी प्लस डी, एस समझ आ गई बात, इनका सम 180, इनका सम 180, इनका भी 180, इनका भी 180। Now come to the trapezium. Now come to the trapezium again. Now in this trapezium we have these two lines parallel, and say this is the transversal. Now which, so can we say that in this trapezium angle A plus angle D is 180? ये parallel lines हैं, ये मान लो ये parallel lines हो गई, ये हो गया ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज, एंड सिमिलरली
एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180, बट एंगल डी प्लस एंगल सी इज नॉट 180 बिकॉज दीज टू लाइन आर नॉट पैरेलल. ये पैरेलल नहीं है ना, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है. तो ये एंगल्स का सम 180 और ये एंगल्स का सम 180. ओनली टू पेयर्स. समझ आ गई बात? प्लीज राइट डाउन. नहीं, सिर्फ इन ट्रेपेजियम वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, नॉट इक्वल. अगर वो इक्वल हो जाए फिर वो पैरेललोग्राम बन जाता है, क्योंकि ये बराबर है इतना बनाएगा, सीधी लाइन बनाएगा, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा. प्लीज नोट डाउन बेटा. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी मैम, जो ये ट्रेपेजियम का एंगल ए प्लस एंगल डी लिखा है 180 डिग्री, ये वो छोड़ी हुई जगह में लिख रहे हैं या फिर ये उसके छोड़ी हुई जगह पे लिखना बेटे, जो मैंने आपको बताया था ना कि पहले मैं पैरेललोग्राम के एंगल्स की बात करनी थी फिर ट्रेपेजियम की. ओके मैम, लिख लिया आपने? ये लिखना है जो मैं आपको बोला था, स्पेस छोड़ दो. अभी टाइम कहाँ हुआ, अभी तो पड़े हैं 6 मिनट्स. अब लिखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? We have done trapezium means that one pair of opposite sides are parallel and the other pair is not equal. What is an isosceles trapezium? Isosceles trapezium is that trapezium in which the non-parallel sides are equal. जैसे मान लो ये है ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये क्या है? इक्वल. राइट डाउन. अ ट्रेपेजियम इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. अ ट्रेपेजियम इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. A trapezium is said to be isosceles trapezium if non-parallel sides are equal. क्या हुआ? अब देखिए, ये AD BC के क्या है? Parallel. Equal नहीं है. But in isosceles trapezium, this non-parallel sides AB is equal to DC. अगर non-parallel sides equal आ जाए, वो कैसा trapezium होता है? Isosceles trapezium. ये देखनी, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये पैरेलल नहीं हुई, बट ये इक्वल है. ये भी अगर 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर. बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे ये ट्रेपेजियम है, नहीं सिर्फ नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है. जैसे ये मान ले ये हो गया 5, ये 10, ये 6, ये 4, ये 6, ये दोनों पैरेलल हैं बट इक्वल नहीं है, और जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो भी इक्वल नहीं है. तो ये सिंपल ट्रेपेजियम. ये है मान लो 3, ये 3, ये 2, ये 4. यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हैं, दिख रही है, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं जो कि पैरेलल नहीं है बट साइज लेंथ इक्वल. तो ये कैसा ट्रेपेजियम हो गया? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. हाँ जी. अब लिखो काइट, लास्ट टाइप ऑफ ट्रेपेजियम, सॉरी क्वाड्रिलेटरल. काइट, क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल.
क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ ऑपोजिट एडजेसेंट साइड्स, इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. इज इट अ रोम्बस? इट इज अ काइट. यस, रोम्बस होता है जिसमें सारी साइड्स हमारी क्या हो, इक्वल. काइट होता है जिसमें बेटा टू मतलब ऊपर वाली साइड के इक्वल होगी और ये नीचे वाली. सो दैट इज अ काइट. नो बेटा, एडजेसेंट साथ साथ वाली ऊपर वाली साइड्स इक्वल है. टू पेयर्स मतलब ये पेयर आपस में इक्वल है, ये पेयर आपस में इक्वल है, ये भी इसके इक्वल नहीं है ना. देखो फिगर देख के पता चलता है. ऊपर वाली साइड ऊपर वाले मतलब ये दोनों इक्वल है, ये आपस में इक्वल है. ये अपनी अपनी घड़ियां ना घर पे रख के आया करो. चलो एनीवेज, सो वी हैव डन डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरम्स. वी आर नॉट टू डू द प्रूफ ऑफ ऑल द थ्योरम्स. जिसके प्रूफ करवाने हैं वो करवा देंगे. देन वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. सो एवरीवन जस्ट रिवाइज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. Then only it will be easy for us to do the questions. इसके बाद stand up, जसकीरत, हरनूर, अरविंद, कीर्ति, get up बेटा. हाँ जी, और कोई? आप लोग stay back करोगे? क्यों आपने करना है? नहीं बेटा, नहीं ऐसे stay back नहीं. मैंने सिर्फ failures को stay back करवाना है, so as to improve them. ठीक है, आपने क्यों करना है stay back? आपको आता है, आप घर पे बैठ के पढ़ो. जब जरूरत पड़ेगी तब बिठाएंगे, फिर सारा फोकस आप ले जाओगे. मुझे इनको कैसे समझाना है? अभी रुक जाओ आप. कब है? मेरे बस पे जाना. मैंने बोला एप्लीकेशन लिखो, मैम से साइन करवा के दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. एप्लीकेशन लिखो इधर भी. मुझे स्लांट हाइट का बेटा जी आता वाता का मुझे थोड़ी. वैसे भी 12 में से 5 नंबर चाहिए थे, डेढ़ नंबर तेरे कहीं से नहीं बन रहे. मैम इधर भी अगर आते आते ना तो जस्ट इधर भी हम आपसे 3 डेज का आया था. मैंने कैसे आया 3 डेज वो ऐसे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट. एक मिनट देखने दो ना अटेंडेंस. अटेंडेंस ले लो आकर. मेरी बात सुन हरनी, यू राइट एन एप्लीकेशन, गेट इट साइन फ्रॉम प्रिंसिपल मैम, इट्स ओके. नो जसकीरत, हरनूर, आपको मैंने पहले वार्निंग दी थी, इफ यू विल बी फेलिंग यू हैव टू स्टे बैक. डिड आई टेल और नॉट? यस मैम. यू आर नॉट एबल टू टेक 5 मार्क्स आउट ऑफ 12. हाफ मार्क्स मैंने तेरे मुंह थप्पड़ लगाना खींच कर. तो कर लेता, तेरे पास आधा घंटा था, किया क्यों नहीं?